देखिए यहीं पर ही काम करते थे जो चारों इधर से जिन्होंने किया वो यहीं पर ही काम करते थे, तो इन्होंने ऑलरेडी ये बिल्कुल सोच समझ के यहाँ पर अपने लगे हैं। और फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर पूरे 2-3 महीने से रेकी ही कर रहे थे कि किस तरह से काम इनको ये नकबजनी है, ये चोरी कैसे कारित करनी है, और मौका मिलते ही इन्होंने कल इस घटना को, इस वारदात को अंजाम दिया। अभी उस बारे में अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं, चूँकि जो मेन है आकाश चोपड़ा जी, उनकी अभी वो अभी थोड़े अनकॉन्शियस हैं। हाँ जी, जैसे ही वो बताएंगे पूरा अपना, वो भी खुद देखेंगे सारी चीज़ें करके, जैसे ही वो बताएंगे फिर वैसे ही। ये जनाब पड़ोसी मुल्क नेपाल से हैं, जो जोधपुर में नौकरी करते थे, लेकिन फिलहाल नौकरी छोड़ फरार हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, सूट में खड़ी इस महिला ने ही इन चारों लड़कों को नौकरी दिलवाने में मदद की थी। नौकरी तो छोड़िए जनाब, इन सब ने मिलकर किया कुछ ऐसा कि जिसे जानकर हर कोई हैरान परेशान रह गया। अब इनके कारनामे सुना भी भौचक्के रह जाएंगे। कहते हैं सांप को दूध पिलाने से सांप जहर ही उगलता है, दूध नहीं। वही इस केस में भी हुआ। जिस घर की बदौलत चलाते थे ये लोग अपने घर की रोजी रोटी, उसी घर को इन्होंने निशाना बना लिया, और निशाना इतना पक्का कि काम भी हो गया और घर वालों को भनक तक नहीं लगी। जब पता चला तो मामला काफ़ी हद तक बिगड़ चुका था। राजस्थान के जोधपुर में एक हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी के घर कुछ महीने पहले ही नौकरी के लिए कुछ लोग आए थे। अशोक चोपड़ा ने इन्हें काम पर रख लिया और सब कुछ आसानी से चल रहा था। आपको बता दें, अशोक चोपड़ा एक नामी हैंडीक्राफ्ट व्यवसायी हैं, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों के टारगेट पर रहते हैं। काम या व्यवसाय में बढ़ोतरी से उनके दुश्मन भी लगातार बढ़ने लगे हैं, लेकिन दुश्मन घर में ही हो तो माजरा अलग हो जाता है। शनिवार यानी 5 नवंबर की रात अशोक अपनी बेटी के साथ घर में अकेले थे। घर में ड्राइवर समेत कुल 4 लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि रात के खाने में घर में फ्राइड राइस बना था, जिसे खाने के बाद अशोक और उनकी बेटी सोने चले गए। इसके बाद तो अशोक अगली सुबह ही उठे और घर का मंजर देख सदमे में चले गए। अशोक चोपड़ा जी मेरे पार्टनर हैं, और सवेरे करीब 7:30-8 बजे मेरे को पता चला कि उनके घर पे काम करने वाले नेपाली दंपति, 2 पुरुष और 2 महिलाएं, उन लोगों ने उनको रात को कुछ नशीला पदार्थ खिलाया, और अब क्या पदार्थ था वो अभी तक हॉस्पिटल से पता चलेगा, क्योंकि अभी तक भी वो होश में नहीं आए हैं। डॉक्टर से उनका इलाज चल रहा है, और काफ़ी अलमारियां तोड़ करके लगभग काफ़ी ज्वेलरी, विदेशी घड़ियां वगैरह बहुत कुछ, मतलब कुछ करोड़ों की लूट का अंदेशा लग रहा है हमको। अभी तक पूरा उसका आइडिया नहीं लगा कि कितना क्या है। गाड़ी की लेके उनके घर में जितनी भी गाड़ियाँ थी उन सब गाड़ियों की चाबी भी वो लेके चले गए, और एक उनकी गाड़ी को भी, हेक्सा सिल्वर कलर की गाड़ी को भी वो लेकर के चले गए। और ये जो बाहर आप देख रहे हैं, ये जो गेट है ये भी रिमोट से खुलने वाला गेट है, उस रिमोट से बाहर आकर के गेट भी रिमोट से बंद किया, हम सब लोग ऊपर गेट से कूद कर गए। बता दें कि सुबह अशोक चोपड़ा को होश आया तो घटना का पता चला। सभी की हालत को देखते हुए उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बताया जा रहा है कि घर पर पिता और बेटी ही थे, बाकी लोग शादी में बाहर गए हुए थे। इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। फिलहाल चोपड़ा की बेटी को होश आ गया है, लेकिन दोनों ड्राइवर अभी बेहोशी की हालत में ही हैं। अशोक चोपड़ा के घर के नौकरों ने ही बड़ा हाथ मारते हुए खाने में नींद की गोलियां मिला दी थी, जिसके बाद नौकरों ने ही घर से सोना चांदी और नकदी पर हाथ साफ कर अशोक की कार लेकर भाग गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल नौकरों की तलाश जारी है। आपको बता दें कि जाते जाते चोरों ने घर के सीसीटीवी कैमरे को भी तोड़ दिया था, जिससे पुलिस के लिए तहकीकात करना मुश्किल साबित हो रहा है। तो इन्होंने 2-3 माह पहले कोई नौकर रखे थे एजेंसी के माध्यम से, दिल्ली में एजेंसी के माध्यम से, और वो रात को उन्होंने कुछ खाने में क्या पिला के कुछ भी इनको ड्रग इनको बेहोश करके, और पूरी रात में इन्होंने बहुत बड़ी अपनी नकबजनी यहाँ से कारित की, जो भी इनका लॉकर वगैरह था वो तोड़ के, और यहाँ से उनके जो हीरे ज्वेलरी है और साथ के साथ जो कुछ एक जो कैश होगा वो लेकर यहाँ से वो भाग गए। अभी तक इस बात का पूरी पुख्ता नहीं हो पाया है कि कितना उन्होंने सामान, जेवरात और जो कैश है वो कितना गया है, क्योंकि अभी भी जो परिवार वाले हैं, जो 4 जन इधर परिवार के और 2 ड्राइवर थे, परमानेंट ड्राइवर थे, वो सभी ड्रग के इफेक्ट में हैं अभी, तो वो भी बता नहीं पा रहे हैं कि कुल कितना सामान गया है।
लेकिन हमारी जो पूरी हम टीम्स हमने भेजती हैं आगे, और सभी अलग अलग टीम्स अपने अलग अलग कामों पर लगी हुई हैं, और हम इसमें ज़रूर जल्द से जल्द कुछ सफलता पाएंगे। प्लीज़ अपने जो भी आपके यहाँ पर आ रहे हैं बाहर से काम करने वाले, उनको आप उनकी आप पुलिस वेरिफिकेशन कराइएगा। किंतु पुलिस वेरिफिकेशन नहीं कराई जा रही है, जिसका उन्हें बहुत बड़ा खेद है, और अभी हमें इस बात पर इस मामले में वेरिफिकेशन नहीं हुई थी, पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हुई थी। ये जो सारे लोग हैं ये सभी नेपाल के आधार कार्ड होल्डर हैं, नेपाल से आए थे और एजेंसी दिल्ली की एजेंसी के माध्यम से आए थे, तो अभी हमारे पास उनके बारे में कोई ऐसे ज़्यादा, हम कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में पता करने की, और ज़रूर से ज़रूर हम सब सफलता मिलेगी। इस पूरे मामले में आपको बता दें कि नौकरों ने घर की एक एक अलमारी को खोल कर उसमें से नकदी और सोना चुराया है। छोटे से छोटे बक्से को खोल कर भी सारा सामान निकाल लिया गया। माना जा रहा है कि रात में 2 से 3 घंटे में ही पूरा माल लेकर चोर फरार हो गए। इतना ही नहीं बल्कि चोर अपने साथ घर की सभी कारों की चाबियां तक ले गए। पुलिस ने घर के बाकी लोगों और आस पड़ोस से जो जानकारी प्राप्त की उसमें ये भी सामने आया कि अशोक चोपड़ा के घर पर 4 साल से एक नेपाली महिला काम कर रही थी। 2 महीने पहले ही वो अपने परिवार के 3 अन्य सदस्यों को लेकर आई और उन्हें काम पर लगाया। चोपड़ा परिवार ने उस पर भरोसा जताते हुए उन सभी को काम पर रख लिया, लेकिन सभी ने भरोसे का खून करते हुए इस घटना को अंजाम दे दिया।